and welcome to All in Go with Trend. So I hope guys all of you are well and at your homes. So today we are going to start about the logic errors in Python. As all of you know that we have discussed a lot more about the errors in Python. We have discussed syntax error and runtime errors in the previous video. So now we are moving forward to the logic errors in Python. So firstly, going to understand about the logic errors, it is most important to know about the logic, okay? गाइस हम यहाँ पे एरर्स की बात कर रहे हैं ओके तो एरर तो तब आएगा ना जब आपको कुछ एक बेसिक नॉलेज होगी राइट तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ लॉजिक. लॉजिक क्या होता है आपकी प्रोग्रामिंग में. गाइस एक बात याद रखना कि लॉजिक का एक अलग मीनिंग होता है फ्रॉम द रियल लाइफ. अलग कॉन्सेप्ट रिलेटेड हर चीज़ की अलग डिफरेंट मीनिंग होती है ओके. सो प्रोग्रामिंग की बात करूँ अगर मैं तो लॉजिक का मीनिंग होता है कि एक फॉर्मल लॉजिक. आप इसे फॉर्मल लॉजिक कह सकते हो या फिर रिटर्न लॉजिक कह सकते हो. मीन्स आप ओवरऑल इसको ये बोल सकते हो कि कुछ एक तरीके से रूल्स और कुछ फॉर्मेट में आपको अपने ऑपरेशंस को एक्सप्रेस करना है ना. यू हैव टू एक्सप्रेस योर ऑल द ऑपरेशंस दैट यू वांट टू परफॉर्म इन योर कोड बाय यूजिंग द लॉजिक. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू ऐड परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स ओके. एडिशन परफॉर्म करने के लिए भी आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है बट इट इज़ दैट कि बहुत सिंपल लॉजिक होता है. एडिशन बहुत बेसिक चीज़ है आप कर सकते हो ओके. तो अगर फॉर एग्जांपल आपको नॉलेज नहीं है लॉजिक की ओके यू आर अनअवेयर अबाउट द लॉजिक सो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है आपको एडिशन कराने के लिए. किस वे में लिखना है कोडिंग को है ना. किस तरीके से लिखना है तो आपको क्या तरह के एरर्स मिलेंगे या किस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा. सो यू आर अनअवेयर अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द लॉजिक्स. सो देखो लॉजिक की बात अगर यहाँ हो रही है तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि लॉजिक एरर्स आपके तब आते हैं जब आपका लॉजिक वीक होता है. मीन्स आपको बेसिक तरीका उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए पता नहीं होता. फॉर एग्जांपल आपको एडिशन करना है परफॉर्म तो आपको एडिशन कराने का तरीका नहीं पता. देखो एडिशन के भी तरीके बहुत सारे होते हैं. आप ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन कर रहे हो, आप विदाउट ब्रैकेट एडिशन कर रहे हो, या फिर आपने एक लाइन में एडिशन की मतलब वेरिएबल्स लिख दिए एंड इनपुट लेके कर दिया, या फिर आप अलग अलग वेरिएबल्स में आके करो. सो देर आर लॉट मोर वेज टू परफॉर्म एडिशन बट यू आर अनअवेयर ऑफ ऑल ऑफ द मेथड्स. सो यहाँ पे उस केस में क्या हो रहा है गाइस कि आपको लॉजिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है राइट. सो लॉजिक एरर का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्राम आपने लिखा, आपने कोई कोड ही लिखा ओके. यू हैव राइट द कोड बट आपकी कोडिंग का मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को समझ में तो आ गया ठीक है, लेकिन आपका प्रोग्राम भी रन हो गया ओके. समझ में भी आ गया, प्रोग्राम भी रन हो गया बट आपको वो आउटपुट नहीं मिला जो आप चाहते थे कि आपको वो आउटपुट मिले अपने उस प्रोग्राम के कोड से. तो वहाँ पे आप गलती कहाँ कर रहे हो वो आपको पता नहीं चलेगी. क्यों पता नहीं चलेगी? बिकॉज लॉजिक एरर्स कभी भी आपको शो नहीं होते, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कहाँ पे आपने कोडिंग में मिस्टेक की है जिस वजह से आपका वो एरर आ रहा है ठीक है. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लॉजिक उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपका अच्छा होना चाहिए ओके. मैं अगर बात करूँ रिकर्जन की, फैक्टोरियल की, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, इन सब में आपको लॉजिक चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे आई डिक्लेयर करना है, कहाँ पे आपको आई को इंक्रीमेंट करना है. तो इसके लिए बेसिक लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लॉजिक अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका वो आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो ठीक है. जो आप चाहते हो आपको कभी नहीं मिलेगा. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रॉन्ग योर लॉजिक फर्स्ट. सो लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपको रेगुलरिटी में अपनी हर चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ता है ओके. सो नॉट मूविंग फॉर द रिक्वायरमेंट्स एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लॉजिक्स, मूविंग टू द एरर ठीक है. देखो एरर्स की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एरर्स हमारे काफ़ी सारे सिचुएशंस में आते हैं. और जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि आपको लॉजिक एरर कब आता है जब आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन आपको ये एरर कहीं भी शो नहीं होता. जैसे कि आपके प्रोग्राम में अगर नेम एरर, सिंटेक्स एरर, इंपोर्ट एरर, मॉड्यूल एरर होता है तो आपको शो हो जाता है ओके. लेकिन आपको ये एरर, लॉजिक एरर, एरर का भी शो नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने क्या किया है, पाइथन को समझ में आ गया,
आप क्या कराना चाहते हो परफॉर्म अपने कोडिंग से, वो इंटरप्रेटर को समझ में आ गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते वक्त इम्प्लीमेंट भी हो गया बट वो आउटपुट नहीं मिला जो आप चाहते थे। सो जाहिर सी बात है गाइस, इसमें आपकी मिस्टेक है। सो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड पता है ये बहुत टेरेबल सिचुएशन हो जाती है अगर आपका कोड बहुत लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको लाइन बाय लाइन कोड को रीड करना होता है, एनालाइज करना होता है कि आपका एरर किस लाइन में हो सकता है। ओके बट अगर आप बात करते हैं बाकी एरर्स की, तो उसमें आपको लाइन नंबर से पता चल जाता है कि हाँ आपकी इस लाइन में ये एरर है, तो आप उस लाइन पर डायरेक्टली जंप करते हो एंड आप उसको सॉल्व करते हो। सो इट इज़ बिकम मोर इजी टू सॉल्व अदर एरर्स अदर देन द लॉजिक एरर। सो नाउ लेट्स डू एग्जांपल ऑफ द लॉजिक एरर। सो इसका एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ध्यान रखने की, इट कैन नॉट बी सीन, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके ये बेसिक चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे हमेशा, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द लॉजिक एरर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जांपल की, ओके हम यहाँ पे करेंगे डिवीज़न। देखो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, उसके कई तरीके होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, एक्स एक वैल्यू है जो मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगी। ओके देन वाई एक वैल्यू है जो मैं एक यूज़र से इनपुट कराऊंगी। ओके देन मैं इसका एवरेज निकालूंगी बाय विच फार्मूला, लेट्स राइट हियर। मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स प्लस वाई एंड देन डिवाइड बाय टू, राइट गाइस। अगर आप इसको किसी भी नंबर से एडिशन एंड देन डिवीजन परफॉर्म करते हो, तो आपको यहाँ पे वो आउटपुट मिलेगा जो कैलकुलेटर में आप करते हो या कॉपी पेन में करते हो, ठीक है। बट अगर आप इसे रन करते हो इस तरीके से, जिस फॉर्मेट में मैंने अभी लिखा है यहाँ पे आपके सामने लाइन नंबर 3 में, तो आपको आउटपुट कुछ मिलेगा। एंड बाय जस्ट चेंजिंग अ सिंपल स्मॉल थिंग इन द कोड, आपका आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। सो हाउ इट इज़ बीइंग हैपनिंग, लुक हियर। सो गाइस पहले यहाँ पे मैं अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। वेरिएबल किस नेम से होगा, मेरा एक्स नेम से होगा। एंड एज आई हैव सेड कि मेरे यहाँ पे आउटपुट मैं यूज़र से लूँगी, सो आई एम टेकिंग इनपुट। ओके एंटर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, वाई इज इक्वल्स टू इंट देन इनपुट एंड अगेन यहाँ पे एंटर, राइट। सो यहाँ पे दो वैल्यूज मुझे जो चाहिए थी वो मैंने इनपुट करवा ली हैं। अब हमें चाहिए एवरेज, AVG एवरेज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड देन डिवाइडेड बाय टू। सो गाइस ये एवरेज का फॉर्मूला है, आई होप आपको इस बारे में तो पता ही होगा बिकॉज इट इज़ अ बेसिक फॉर्मूला यूज फॉर फाइंडिंग द एवरेज। एंड अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। सो गाइज इसको मैं रन करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ स्टार्टिंग में ही, कि देखो ये जो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू है ना, ये क्या करता है, इसको इस कोड में आपको आउटपुट कुछ मिलेगा एंड आपको चाहिए कुछ। देखो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिले, पहले रन अगर देख लेते हैं एक बार फिर बताती हूँ। सो हियर मैं लिखूँगी यहाँ पे 3 एंड 4। ओके सो मुझे यहाँ आउटपुट मिल रहा है 5.0। ओके अब अगर आप मैनुअली करते हो इसे, तो क्या मिलेगा आपको, 3.5 मिलेगा। ओके मिलेगा 3.5, कर लेना सॉल्व वेपर खुद कि आपको 3.5 मिलता है या नहीं, एंड देन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका आउटपुट क्या आया था जब आपने इस कोड को रन किया था, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको 3.5 मिलेगा जब हमने 3 और 4 को डिवाइड किया था, दो नंबर हमने ऐड करके 2 से डिवाइड करवाया था। तो गाइस देखो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट मुझे 3.5 एक्सपेक्टेड था, बट मेरे को मिला क्या यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिला 5.0। सो इट इज़ अ लॉजिक एरर, ठीक है। लेकिन मुझे अब पता नहीं चला, यहाँ पे देखा आपने कि मेरा कोड बहुत अच्छी तरीके से रन हो गया, एक भी एरर नहीं मिला मुझे। लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहती थी। आई वॉज प्रिडिक्टिंग कि मुझे 3.5 मिलेगा, बट मुझे नहीं मिला, मुझे मिला 5.0 जो कि अनप्रडिक्टेबल था, ठीक है।
तो उस एरर को समझने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे करेंगे रिजॉल्व, तो वो ध्यान से देखो आप। ठीक है, लाइन नंबर सिक्स पे आ जाओ गाइस। देखो लाइन नंबर सिक्स की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे कहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, हमने लिखा है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। तो इस केस में क्या कर रहा है वो, पहले एक्स और प्लस, मतलब पहले एक्स और वाई को प्लस कर ले रहा है। ठीक है, देखो वो पहले एक्स में टू प्लस करेगा, वाई में टू प्लस करेगा, एंड देन वो डिवाइड कर रहा है टू से। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक सा तरीका अपनाऊंगी। आई एम जस्ट यूजिंग अ पैरेंथेसिस हियर एंड मैंने इसे अलग कर दिया। अब देखो उसका क्या मतलब हो जाएगा, ये पहले ऐड करेगा एंड देन वो डिवाइड करेगा। इन द फर्स्ट सिचुएशन वो पहले वो एडिशन कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, लेकिन अलग तरीके से। मीन्स वो एक्स में टू ऐड कर रहा था, वाई में टू ऐड कर रहा था, एंड देन डिवाइड कर रहा था। ठीक है, बट इन दिस केस नाउ वो एक्स प्लस वाई होगा, यानी कि पहले एडिशन होगा देन डिवीजन होगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे एंड देन फोर लिखेंगे, लेट्स वी आर गेटिंग 3.5। सो गाइज आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि 3.5 हमें क्यों मिला एंड पहले में 5.0 क्यों मिल रहा था, बिकॉज इट वॉज एन लॉजिकल एरर। सो आप एक इसके आउटपुट से एक चीज़ आपको नॉलेज में तो आ ही गई होगी, बिकॉज आपका एक पैरेंथेसिस भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है एक एरर को जनरेट करने के लिए, राइट? आपको नहीं पता चला कि एरर कहाँ पे था, बिकॉज क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये लॉजिक है, ये एक हमारा प्रोग्राम है, एवरेज बेस्ड है। ठीक है, तो इट्स ऑब्वियस गाइस कि यहाँ पे एवरेज वाले फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक हो रही होगी, हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट जहाँ बात मैंने जैसे मैंने कहा कि जहाँ कोडिंग ज़्यादा होती है, लंबे लंबे कोड्स होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना एंड आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की होगी, सो ताकि आप अपने एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड एक और चीज़, इस सेम कोड को रन करना और अपने फीडबैक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपने जब रन किया तो आपको किस तरह के आउटपुट्स मिले, आपको क्या समझ में आया एंड क्या नहीं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच।